इधर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे केसरीनाथ त्रिपाठी के राजनीति में योगदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा अपना दल एस के विधायक दिवंगत राहुल प्रकाश कोल समेत 14 दिवंगत पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही बुधवार को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विधानमंडल के सभी सदस्यों को सदन में सारगर्भित चर्चा कर समस्याओं के समाधान और क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग देना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज दूसरा दिन शोक संवेदना के साथ कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल यानी 22 फरवरी का दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 की उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की सफलता उत्तर प्रदेश सरकार दिखा रही है, 33 लाख करोड़ से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में आया है। उत्तर प्रदेश में उद्योग के लिए नए अवसर जो हैं वो उत्तर प्रदेश को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोजगार के लिए छात्र हों या नौजवान हों, उनके लिए अवसर जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार कल के अपने बजट में प्रस्तुत कर सकती है। साथ ही साथ गन्ना किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य है उसको भी लागू किया जा सकता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार अपने इस बजट में लगभग 7 लाख करोड़ का यह बजट जो है उसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि 7 लाख करोड़ का जो है बजट वो उत्तर प्रदेश सरकार कल पास कर सकती है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के खासतौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निशाने पर उत्तर प्रदेश सरकार है। अखिलेश यादव का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस तरीके का निवेश उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है वो सरासर झूठा है। पिछले अगर कुछ समय से देखा जाए जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन विपक्षी पार्टियां कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से लगातार हत्याएं हुई हैं, कानपुर की अभी घटना को देखा जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो निशाने पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को पता है कि कल का जो दिन है वो उसके लिए इतिहास रचने वाला हो सकता है। और विपक्षी पार्टी जिस तरीके से निशाने पर ली हुई है उस वक्त भाजपा सरकार को, भाजपा सरकार अपने कल के बजट से उनके ऊपर कुछ लगाम लगाने की कोशिश करेगी और उनको फिर से बैकफुट पर लाने की कोशिश करेगी। अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार योगी सरकार के ऊपर हमलावर हैं, आज सुबह भी अखिलेश यादव ने कहा है विकास कहां दिख रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरीके से सड़क पर धरातल पर आज नौजवान है, सड़क पर सारा जो विकास है वो सड़कों पर नहीं दिख रहा है, वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है कि विकास उत्तर प्रदेश सरकार दिखा रही हो। उन्होंने अपनी पार्टी का कहा कि जब हमारा कार्यकाल था 2012 से 2017 के बीच में, उस वक्त उत्तर प्रदेश ने चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो 112 हो, पुलिसिंग के लिए जिस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है आज उससे लगातार योगी सरकार खिलवाड़ कर रही है। लेकिन कल का दिन बजट के साथ साथ ये जरूर दिखाने और दर्शाने की कोशिश रहेगी उत्तर प्रदेश सरकार की कि असल में जो प्रदेश की जो कमान उत्तर प्रदेश सरकार को जनता ने दी है उसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विकास की राह पर उस जनता की उम्मीद को दौड़ाने का काम कर रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अनोज शर्मा के साथ अमरीश सिंह, A1 TV न्यूज़।